नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होती है इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज स्टोर्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को करते हैं हम स्टोर करते हैं। एज लाइक सेल, ड्राई सेल होता है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस। बट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड चार्जेस, एंड इट कैन बी रिसीव्ड बैक, उसे हम वापस लेते हैं एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के लिए फर्स्ट हम देखते हैं, हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, हम स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं। तो हम जब हम इसके ऊपर चार्जेस देते हैं, प्लस दिया, चार्जेस दे रहे हैं, हम इसको किया चार्ज कर दिया। जैसे हम चार्ज देते हैं 100, 200, 2 माइक्रो कूलम या कूलम, इतना ज़्यादा मीन्स इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक पोटेंशियल भी होगा। सपोज अगर Q चार्ज दिया है तो इसका V क्या होगा? पोटेंशियल। अगर इसका कंडक्टर का रेडियस क्या है? R है, तो इसका पोटेंशियल क्या बनेगा? 1/4πε0Q/R। कहाँ पे पोटेंशियल? इसके सरफेस के ऊपर। अब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिए जा रहे हैं और चार्ज दिए, प्लस दिया, एक और दे दिया, और दे दिए, और दे, हम देते जा रहे हैं चार्जेस, कब तक दे सकते हैं? वी कैन पुट चार्ज इन टू द कंडक्टर टिल, कब तक? द एडजेसेंट एयर इज आयोनाइज्ड, जो इसके आसपास की हवा है वो क्या ना हो जाए? आयोनाइज्ड। अगर ये एयर प्रेजेंट है, ये क्या ना हो जाए? आयोनाइज्ड। एयर प्रेजेंट है, मीडियम, मीडियम कैसे लिए हमने कंडक्टर के आसपास का एयर, ये क्या ना हो जाए? आयोनाइज्ड। तो एयर कब आयोनाइज्ड होती है, मीन्स एयर की आयोनाइज आयंस कब बनती है? अब एयर क्या पता हमें, एक क्या होती है? इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटर है। कैसे मीडियम? एक इंसुलेटर मीडियम है। तो इंसुलेटर मीडियम कब आयोनाइज्ड होगा? जब हम चार्जेस दे रहे हैं कंडक्टर के ऊपर, तो बहुत से चार्जेस हैं, तो मीन्स इसकी एक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही है इस कंडक्टर के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, तो जैसे हम चार्जेस बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है, इंक्रीज कर रही है। पहले चार चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 4 यूनिट थी, मान लो 100 कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? 100। तो एयर की क्या होती है? एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है एयर की? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, वो सभी को मालूम है कितनी होती है? 3×10^6 वोल्ट पर मीटर। मीन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कि एयर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सकती है। उसके बाद उसका जो एक करैक्टर है, कौन सा? इंसुलेटिंग करैक्टर, ये क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए और क्या एक्ट करने लग पड़े एज अ कंडक्टर। तो उस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए, तो इतनी बढ़ जाती है, इतना हम चार्जेस देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, तो बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो हम कितने, कब तक चार्जेस दें? अगर हम सपोज हमने 100 चार्जेस दिए थे, तो इसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी पहुंच गई। जैसे हमने नेक्स्ट चार्ज दिया 1 और, जिसमें 101, तो जो 101 चार्ज दिया वो यहाँ पे स्टोर नहीं हो पाएगा, वो क्या कर जाएगा? लीक कर जाएगा। कैसे? क्योंकि साइड की एयर क्या हो जाएगी? आयोनाइज्ड। जैसे आयोनाइज्ड होगी तो यहाँ पे आयंस बनेंगी, तो इंसुलेटर ब्रेक होकर क्या बन जाएगा? कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या करता है? जिसमें चार्जेस क्या करते हैं? फ्लो। तो मीन्स ये जो चार्जेस हैं, चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज जो आया 1 इस कंडक्टर के ऊपर, वो क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा इन एयर। तो मीन्स चार्ज क्या हो जाएगा? लीक। एज लाइक अगर हमारे पास कोई एक वीकर है, ये बकेट है, यहाँ से हम टैप से इसमें पानी फिल कर रहे हैं वाटर, और इसकी कैपेसिटी भरने की 20 लीटर है, इसमें 20 लीटर आ सकता है, पर टैप ऑन ही रहने दिया हमने, बकेट फिल हो जाएगी। जैसे 20 लीटर से ऊपर इसके ऊपर पानी चलेगा बकेट में, वो क्या करेगा? साइड से सरफेस में क्या कर जाएगा? लीक। तो वैसे ही कंडक्टर के ऊपर होता है, हम चार्जेस कितने डाल सकते हैं? तब तक डाल सकते हैं टिल द एडजेसेंट एयर इज आयोनाइज्ड, तब तक डालते हैं जब तक साइड की एयर जो आयोनाइज्ड ना हो जाए। आफ्टर आयोनाइजेशन व्हाट एवर द चार्ज, आफ्टर आयोनाइजेशन व्हाट एवर द चार्ज वी पुट इन इट, इट गेट आयोनाइज्ड, वो क्या जाएगा? जैसे हमने 100 चार्ज दिए, एक्स्ट्रा चार्ज दिया हमने 1 और दिया, तो क्या होगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। 101 नहीं बन पाएंगे, जो 101 चार्ज होकर जाएगा आयोनाइज्ड, तो टोटल चार्जेस में क्या रहेंगे कंडक्टर के ऊपर? 100 ही रहेंगे। चार्ज ऑन कंडक्टर विल नॉट इंक्रीज, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल विल नॉट इंक्रीज, तो चार्ज नहीं बढ़ेगा, 100 ही है,
क्यू उतना रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, वन अंडर वन नहीं हुआ तो पोटेंशियल भी करेगा उतना ही रहेगा, पोटेंशियल विल आल्सो नॉट इंक्रीज। इट इज़ अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस होता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डायरेक्टिव स्ट्रेंथ हमने अभी बात की, क्या होती है इंसुलेशन ब्रेकडाउन, उसे क्या बोलते हैं हम इंसुलेशन ब्रेकडाउन, एंड स्टार्ट्स कंडक्टिंग, और वो इंसुलेटर ब्रेकडाउन हो जाती है उसकी इंसुलेशन और एक्ट करने लग पड़ता है एज अ कंडक्टर। एंड चार्जेस लीक आउट, चार्जेस क्या करते हैं स्टार्ट लीक आउट करना। हमारा डायरेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3.6 वोल्ट मीटर इनवर्स। अच्छा, अगर हम इफ वी प्लेस सम अदर डायलैक्ट्रिक मीडियम, अगर हम एयर की जगह कोई और डायलैक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं जिसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है उससे ज़्यादा है, देन द स्टोरेज ऑफ चार्ज विल इंक्रीज, तो स्टोरेज चार्ज क्या बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, मीन्स पोटेंशियल क्या कर जाएगा इंक्रीज। इफ द मीडियम इज वैक्यूम, अगर मीडियम वैक्यूम हो, और हमें पता है वैक्यूम की डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट होती है तो कभी भी चार्ज उसमें लीक नहीं करेगा, तो चार्ज स्टोरेज विल बिकम इनफाइनाइट, चार्ज लीक नहीं करेगा तो जितना मर्जी हम चार्ज उसमें स्टोर कर सकते हैं, इम्प्लाइज पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। बट इट इज आइडियल केस, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमारे पास एक बनती है लिमिटेशन, लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर, तो कंडक्टर को चार्ज करने की लिमिट बनती है, उस लिमिटेशन को हम बोलते हैं डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने की जो लिमिट है हमारी, वो है उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, किसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिस मीडियम ने, मीडियम में हमने उस कंडक्टर को रखा है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी लेनी है, मीडियम की। सपोज ये कंडक्टर है तो इसको हमने कहाँ रख दिया, इस मीडियम में रखा है, एयर है तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, अगर यहाँ वाटर है तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर, अगर वुड है तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वुड, तो लिमिट बन जाती है किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने की, वो उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। तो इस प्रॉब्लम को कम आउट करने के लिए हमें एक डिवाइस मिलता है जिसे कहते हैं हम कैपेसिटर, जिसमें हम क्या कर सकते हैं मोर से मोर, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज क्या कर सकें हम स्टोर, टू स्टोर मोर चार्ज वी मेक अ कैपेसिटर, टू स्टोर कंडक्टर के ऊपर जब हम स्टार जो चार्ज स्टोर करते हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या करता है इंक्रीज। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आते हैं, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ओके दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस, सो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो कैपेसिटेंस क्या बन गया, क्यू अपॉन वी। इफ वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन सी इज इक्वल टू क्यू, सो वी कैन डिफाइन, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चार्ज सी इज इक्वल टू क्यू विच इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल उसका कितना इंक्रीज कर गया है 1 वोल्ट, तब जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज के बराबर होती है। ऐसा यूनिट इज फेरेड एफ, तो 1 फेरेड क्या बनेगा कैपेसिटेंस की यूनिट, इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, मीन्स 1 कूलम वोल्ट इनवर्स, फेरेड इज इक्वल टू कूलम वोल्ट इनवर्स, सिंस फेरेडे इज वेरी लार्ज यूनिट, since farad is very large unit therefore practical unit of capacitance are microfarad and picofarad, so 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad and 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad, now define 1 farad, 1 farad humne define karna, so 1 farad is equal to 1 coulomb over 1 volt, so 1 farad is capacitance of that body, ya bol sakte hain 1 farad is capacitance of that conductor whose potential increases by 1 वोल्ट, कब कितना पोटेंशियल इंक्रीज कर उसका 1 वोल्ट, व्हेन 1 कूलम चार्ज गिवन
टू इट। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कंडक्टर में जो हम चार्ज स्टोर नहीं कर पाते, हम मोर चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है कुछ इस तरह की डिवाइस होती है जिसमें दो पैरेलल कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? दो पैरेलल कंडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स सच दैट चार्ज इज गिवन टू वन कंडक्टर। क्यू चार्ज जो हम एक कंडक्टर के ऊपर देते हैं, ठीक है, एंड जो सेकंड कंडक्टर है ये फर्स्ट है, और जो सेकंड अदर कंडक्टर है इसे हम बोलते हैं सपोर्टिंग कंडक्टर, जो सपोर्ट करता है, विच इज ग्राउंडेड। चार्ज क्यू दिया तो पोटेंशियल वी डेवलप होगा डिफरेंस, इसलिए कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी? क्यू अपॉन वी। अब देखो हमने इस कंडक्टर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे चार्ज देते जा रहे हैं, ठीक है, अगर ग्राउंड नहीं किया इसे हमने, तो ड्यू टू इंडक्शन इस कंडक्टर के ऊपर भी, अनचार्ज कंडक्टर के ऊपर भी क्या जाएंगे? चार्जेस। इनसाइड द सरफेस के बनेंगे नेगेटिव चार्जेस और आउटसाइड के बनेंगे प्लस, ठीक है। और फिर हम ग्राउंडिंग कर देंगे तो जो प्लस चार्जेस आउटर सरफेस के ऊपर डेवलप होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में क्या डेवलप हो जाएगा? इधर पोटेंशियल डिफरेंस। बट चार्ज कितना स्टोर होगा इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज कितना स्टोर होगा? जितना हमने इसको चार्ज दिया है, सिंपल है, बकेट में कितना पानी होगा, जितना हमने पानी भरा बकेट में उतना ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। तो चार्ज, हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड इन इट, दैट इज क्यू, बिकॉज वी गिव जस्ट प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू। ये जो माइनस क्यू है चार्ज है, ये जो डिवेलप हुआ है ड्यू टू इंडक्शन, किसके कारण हुआ है? इंडक्शन के कारण। Therefore, charge on capacitor is charge on one plate. Charge on capacitor क्या? Charge on one plate, जिसको हम charge दे रहे हैं। And charge on other plate is induced charge. ये induced charge है, कोई real charge नहीं है। कैसा charge है? ये induced. So charge given is Q. So charge stored is Q. तो charge कितना given है? Q. तो charge stored भी कितना होगा? Q ही होगा। Clear है? जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी बहुत सी शेप्स होती हैं, फाउंडेड इन मैनी शेप्स, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड इन इट, तो कितना चार्ज स्टोर्ड होगा? प्लस क्यू, बिकॉज वी गिव प्लस क्यू चार्ज ओनली, क्योंकि हमने कैपेसिटर में चार्ज कितना दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया है। वैसे बकेट में पानी कितना स्टोर होगा? जितना हम बकेट में डालेंगे उतना स्टोर होगा ना। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज ऑन वन प्लेट, जो हम चार्ज दे रहे हैं किसके ऊपर? वन प्लेट के ऊपर ये चार्ज स्टोर होता है, और जो सपोर्टिंग प्लेट होती है कंडक्टर की, इसके ऊपर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। चार्ज हम स्पोर्टिंग प्लेट के होता है, वो इंड्यूस चार्ज होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फाउंड इन मैनी शेप्स, तो नंबर वन इज स्फेरिकल शेप एंड नंबर टू इज सिलेंड्रिकल। तो इसमें भी दो स्फेयर होंगे, एक इनसाइड होगा और एक आउटसाइड, पर दोनों के सरफेस आपस में क्या रहने चाहिए? पैरेलल, तभी तो बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो प्लेट्स क्या रहने चाहिए? आपस में पैरेलल्स। वैसे सिलेंड्रिकल में भी आपस में क्या रह रही है? पैरेलल्स। इनसाइड वाला सिलेंडर है और ये आउटसाइड वाला, तो आपस में क्या होना चाहिए? कंडक्टर्स हमेशा पैरेलल। तो एक में हम चार्ज स्टोर करते देते हैं, दूसरे में इंडक्शन के कारण चार्जेस बनते हैं और उसे कर देते हैं हम ग्राउंड। तो सेम इसमें भी किया हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, विच वन इज गुड, मींस विच वन कैपेसिटर इज गुड, तो कौन सा कैपेसिटर अच्छा होगा? दैट स्टोर मोर चार्ज, जो कोई भी चीज़ स्टोर करने वाली चीज़ का बच्चों जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें, एंड लेस इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल क्या करें? कम इंक्रीज करें। दैट स्टोर मोर चार्ज एंड लेस इंक्रीज इन पोटेंशियल। नेक्स्ट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, जो कैपेसिटेंस होती है कंडक्टर की किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और हमें पता है जो जब हम किसी कंडक्टर पर चार्ज देते हैं क्यू, तो उसको पोटेंशियल करता है वी राइज करता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमारे पास कॉन्स्टेंट आया था सी। और जब भी कोई भी हम फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ें जो प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के बाद आती हो,
कॉन्स्टेंट का साइन हटाया तो वो कॉन्स्टेंट आया था सी। तो कभी भी ऐसी चीज जो उसके साथ क्रिएट कर रही है क्वांटिटीज वी और क्यू सपोज इस केस में, तो सी की वैल्यू कभी भी ना क्यू के ऊपर डिपेंड करेगी ना ही वी के ऊपर। तो कभी नहीं कहना है कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज व्हेन चार्ज इंक्रीजेस एंड कैपेसिटेंस विल इंक्रीज व्हेन पोटेंशियल डिक्रीजेस, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चार्ज के बढ़ने से क्यू बढ़ेगा तो वी भी क्या करता है साइमल्टेनियसली इंक्रीज करता है, जितना क्यू बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा वी, तो सी करेगा कॉन्स्टेंट। तो कभी भी सी जो है क्यू और वी के वेरिएशन के साथ वेरी नहीं करेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो उसका आंसर है इट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री या ऑब्लिक शेप ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर की हम ले रहे हैं शेप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी कैपेसिटेंस। फॉर एग्जांपल हम स्फेरिकल शेप ले रहे हैं, स्फीयर लेके चल रहे हैं, तो इसके हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सी निकालने का फॉर्मूला क्या, क्यू अपॉन वी। सपोज इसको हमने क्यू चार्ज दिया और इसमें वी क्या डेवलप हो गया, पोटेंशियल। तो वी पोटेंशियल कितना डेवलप होता है स्फेरिकल कंडक्टर के कारण सरफेस के ऊपर, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे वी की, तो सी निकालते हैं हम, तो सी हमारे पास निकल के आता है सी इज इक्वल टू 4πε0 आर। दिस इम्प्लाइज सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो सी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? रेडियस के ऊपर। तो रेडियस के एक ज्योमेट्री का पार्ट है, तो जितना ज़्यादा रेडियस होगा स्फीयर का, बड़ा रेडियस बना लें हम, स्फीयर बना लें बड़े रेडियस वाला, तो उतनी उसकी कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो मीन सिंपल है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। तो हम कुछ क्वेश्चन स्टडी आउट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो कैपेसिटेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है स्फेरिकल कंडक्टर की, अभी किया हमने, तो आप इसमें राइट ऑप्शन चूज कर सकते हो, वो क्या होगी, रेडियस। नेक्स्ट, इफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डबल्ड, अगर वॉल्यूम क्या कर दें डबल, व्हाट विल हैपन टू इट्स कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें पता है जनरली हमने वॉल्यूम क्या कर दिया डबल और कैपेसिटेंस पर फर्क देखना है, हमें पता है वॉल्यूम के साथ कैपेसिटेंस कैसे रिलेट करेगी। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है 4, स्फेरिकल कंडक्टर है 4/3πr³, दिस इम्प्लाइज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ऑल्सो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से हम आर कैसे वी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो निकालते हैं, दिस इम्प्लाइज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1/3। तो इन दो रिलेशन को देखो, आर इज इक्वल टू वी 1/3, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर 1/3 आ गया रिलेशन हमारे पास। तो बोल रहे हैं वॉल्यूम डबल हो रहा है, डबल मतलब 2 times किसी कंडक्टर का, तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी 2 times की पावर 1/3। तो हम ऐसे आंसर निकाल देंगे, सी डैश इक्वल 2 की पावर 1/3 सी, ये बन जाएगी। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2 spherical conductor हैं ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड इज डबल, 2 spherical conductors दिए हमारे पास जिसमें जो कैपेसिटेंस सेकेंड की है इज डबल, वट विल बी इट्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा। फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम्स का रिलेशन निकालना है दो कंडक्टर के, नेक्स्ट कैपेसिटेंस इज डबल्ड, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ क्या एक स्फीयर है और इसका रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, मीन्स 6.4 × 10⁴ मीटर। तो कैपेसिटेंस निकालनी है, स्फीयर है तो स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी हमारे पास है 4πε0 r, वैल्यूज पुट करें r की, ε0 की, पाई की, सॉल्व करें, सॉल्व करके हमारे पास आंसर निकल के आएगा 711 × 10⁻⁶ फैरड, और 10⁻⁶ की होती है माइक्रो, इसलिए 711 μF। तो अर्थ की कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा रखनी 711 μF। और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है किस प्रिंसिपल के ऊपर हम ये वर्क करता है। तो हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं, फर्स्ट एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं इसे, इसको हम कहते हैं चार्ज देते जाते हैं, इसके ऊपर चार्ज स्टोर होता जाता है,
कब तक होता है? अप टू अ लिमिट। क्यों हम चार्ज दे रहे हैं? एक सर्टन लिमिट तक इसकी चार्ज स्टोर होगा। कब? इसके मैक्सिमम पोटेंशियल, जब तक इसका मैक्सिमम पोटेंशियल राइज ना कर जाए। वी क्यों? क्योंकि इसके आसपास के प्रेजेंट है एक एयर मीडियम प्रेजेंट है, तो एयर क्या हो जाएगी बाद में, वी पोटेंशियल के बाद में क्या हो जाती है, वो आयोनाइज हो जाती है। मीन्स अगर 1000 इसकी 1000 वोल्ट लिमिट है पोटेंशियल, 1000 से हमने 1001 किया, तो यहाँ पे लीकेज ऑफ चार्ज स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इसको स्टडी करना, तो ये हमारे पास डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए तो फर्स्ट देखते चलते हैं साथ साथ में। तो हमारी लिमिट क्या है? लिमिटिंग ऑफ चार्जिंग इज वी, द लिमिट ऑफ चार्जिंग इज वी। वी वॉन्ट टू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज सच दैट इट पोटेंशियल नॉट राइज। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास बोरी है या थैला एक, ठीक है, तो इसका हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल देखते हैं, हाइट के साथ देखते हैं कि इतना हम इसके अंदर इसकी हाइट के बराबर इसमें क्या डाल सकते हैं, हम कुछ भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, मीन्स मटेरियल डाल सकते हैं। सपोज हम इसमें ग्रेन्स डालते हैं, ओके, ग्रेन्स भर दिए बोरे में, फिर हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल राइज कर जाएगा, तो ग्रेन्स आ चुके हैं, इतना इसका पोटेंशियल। फिर हम करते हैं इस बोरी को थोड़ा सा उठा के छिड़कते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं, मीन्स लेफ्ट राइट मूव करते हैं, तो क्या होता है, थोड़े से ग्रेन्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो मीन्स और थोड़ा सा स्पेस हमारे पास यहाँ पे वैकेंट क्रिएट हो जाता है, तो हम और ग्रेन्स इसका क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो मीन्स वही चीज़ है, वी वॉन्ट टू स्टोर मोर एंड मोर चार्ज सच दैट इट पोटेंशियल नॉट राइज, उसका पोटेंशियल राइज ना करें, क्योंकि इतना पोटेंशियल इसका इतना रहेगा, इतने तक के हम ग्रेन्स भर सकते हैं इसमें, तो मोर एंड मोर करना चाहते हैं, तो उसे हिला डुल के उसका पहले और यहाँ तक ग्रेन्स आए थे तो पोटेंशियल इतना बढ़ गया था, हमने इसको हिलाया डुलाया तो इसको हमने थोड़ा डाउन चले गए ग्रेन्स यहाँ तक, तो मीन्स इसका पोटेंशियल थोड़ा क्या कर दिया, लोअर कर दिया हमने, ठीक है, लोअर कर दिया, तो हम और चार्जेस डाल सकते हैं। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो हमें कंडक्टर का पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, लोअर करना पड़ेगा। सेस का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे कंडक्टर में करना चाहते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा कि एक कंडक्टर है हमारे पास, क्यू चार्ज दे दिया है, अब हम और चार्ज देना चाहते हैं, बट इसका पोटेंशियल वी राइज कर चुका है, इसके आगे हम वो चार्जेस नहीं दे सकते हैं। तो इसको करने के लिए किसी ने, साइंटिस्ट ने किया, एक और कंडक्टर लिया जो क्या था, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो वी है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज माइनस क्यू वाला कंडक्टर लेके आए सेकेंड कंडक्टर, तो ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या बनाएगा, एक पोटेंशियल बनाएगा जो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो प्लस के कारण पोटेंशियल क्या बनेगा, क्यू अपॉन 4πε0 अपॉन आर, उसके कारण कुछ बनेगा माइनस 4πε0 आर टू, डिस्टेंस जो होगा उसका यहाँ से दूर आर टू डिस्टेंस पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या बनेगा इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल। तो अब कुछ नेगेटिव ऐड करें हम, तो ये चीज़ क्या क्वांटिटी क्या करती है, थोड़ी कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाएगी, तो मीन्स यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लोअर हो जाएगा। जैसे यहाँ पोटेंशियल लोअर होगा तो हम इसमें और चार्जेस ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल बन जाता है, चार्ज प्रिंसिपल फॉर चार्जिंग का कैपेसिटर। सो वी ऑब्जर्व अ प्रिंसिपल दैट इज़ टू ब्रिंग नेगेटिव चार्ज, इट विल लोअर द पोटेंशियल। तो इसी फिनोमेना का यूज़ करते हुए हम एक प्रिंसिपल डेवलप करेंगे। बट जब हम डिवाइस बनाते हैं तो हम उसमें एक पहले पॉजिटिव चार्ज वाला कंडक्टर रखें और एक नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर उसके पास लेके आएँ, तो एक थोड़ा सा जो प्रोसेस है डिवाइस बनाने में टीडियस है, थोड़ा सा मीन्स डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो ऐसे हम कंडक्टर कैपेसिटर्स नहीं बना सकते हैं, तो हम एक अनदर वे यूज़ करते हैं इस कैपेसिटर बनाने का, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का था किसी पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के पास हमें नेगेटिव चार्ज कंडक्टर लेके आए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें हम करते हैं एक चार्ज कंडक्टर के पास, ये चार्ज कंडक्टर है, इसके साथ ही हम एक क्या लगा देते हैं अनचार्ज कंडक्टर, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे पीछे हमने किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक चार्ज होता है एक अनचार्ज कंडक्टर होता था, उसमें प्लेट होती थी जिसमें इंड्यूस चार्ज आता था, तो वही प्रोसेस होता है सेकेंड मेथड में, एक चार्ज कंडक्टर के पास हम क्या लाएंगे, अनचार्ज कंडक्टर ले आए, तो इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गए। तो यहाँ पे वी पोटेंशियल था सपोज 1000 था इसके कारण,
पोटेंशियल यहाँ पे कितना था वी 1000, और नेगेटिव के कारण यहाँ पे कितना बढ़ा -30, तो पोटेंशियल कितना हो गया हमारा 30 लेस हो गया इससे, तो 970 बचा। तो हम अब क्या कर सकते हैं, और चार दे के और चार डाल सकते हैं क्यू इसमें, ताकि पोटेंशियल कितना राइज कर जाए फिर से 1000 राइज कर जाए। तो मीन्स पहले इतने चार्ज थे, अब और चार्ज डाल के 1000 तक पहुंच सकते हैं हम, तो कैपेसिटी बढ़ गई है। बट जब हम अनचार्ज कनेक्टर रखते हैं तो नेगेटिव यहाँ पे चार्ज का पोटेंशियल कैसे बना रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल, बट ये पॉजिटिव चार्जेस भी क्या बनाएंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनाएंगे। सपोज ये कितना आ रहे हैं +20 बनाए, तो पोटेंशियल कितना लोअर हुआ, अब पोटेंशियल लोअर कितना हुआ हमारा, था कितना 1000, उसमें 30 माइनस हुए 20 प्लस हुए, तो कितना लोअर हुआ 10 हुआ, तो 990 बना वोल्ट। तो अब हम कुछ ही चार्ज इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कनेक्टर में। तो ये इस वाले मेथड से थोड़ा सा क्या है, बेनिफिशियल नहीं है लग रहा हमें, क्योंकि इसमें 1000 था यहाँ पे, इसने -30 क्रिएट कर दिए यहाँ पे, तो ये 970 तक लोअर, मीन 30 वोल्ट लेस हो गया था, 30 वोल्ट के वो था लेस, तो मीन्स हम 30 चार्जेस और डाल सकते थे मान के चलते हैं। तो वैसे इस केस में हम कितने चार्जेस और डाल सकते हैं, सिर्फ 10। तो इसको और बढ़ाने के लिए, प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं थर्ड प्रोसेस स्टेप में, सेकेंड स्टेप या थर्ड मेथड या थर्ड स्टेप बोल सकते हैं, थर्ड स्टेप में हम करते हैं इस प्लेट को करते हैं ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने से जो प्लस चार्ज होंगे सारे काम मूव कर जाएंगे ग्राउंड में। तो यहाँ पे 1000 इसके कारण मिल रहा था पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज किसने बनाए थे -30, 20 जो प्लस के कारण बन रहा था वो गायब हो चुका है, तो अब 970 तक पहुँच चुके हैं। तो मीन्स पोटेंशियल क्या है, और ज़्यादा लोअर हो गया, अब पोटेंशियल क्या हो गया और ज़्यादा लोअर, या 990 हुआ था या 970 हो गया, इन ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप क्या कर सकते हैं, और हम अगर हम इसके बीच में फोर्थ स्टेप में यहीं पे कर देता हूँ, इसके बीच में हम जो ये मीडियम प्रेजेंट है यहाँ पे, एक हम क्या डाल दें डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दें। डायलैक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने के कारण जो है ये जो कैपेसिटी है और क्या कर जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि हमने पीछे किया कि डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीडियम की, डिफरेंट डिफरेंट डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो तो कैपेसिटेंस क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट। तो जितना डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मीडियम की, उतनी कैपेसिटेंस की होती है ज़्यादा। तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा दें, मीडियम कुछ और इंसर्ट कर दें बिटवीन प्लेट्स, तो डायलैक्ट हमारी जो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगी, और इंक्रीज कर जाएगी। सो वी कैन राइट ऑल सच वे बट वी हैव डिस्कस्ड हियर, डाउन कर लेना। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, जब हम क्या डालते हैं, डायलैक्ट्रिक मीडियम डालते हैं बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लोअर, एज एज पोटेंशियल विल लोअर, मोर इम्प्लाइज कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। इसको देखते हैं, जब हम डायलैक्ट्रिक मीडियम डाल देते हैं, तो जब जैसे डायलैक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होते हैं मीडियम में, तो प्लस की तरफ कौन से चार्ज चले जाएंगे, सारे के सारे इंड्यूस्ड नेगेटिव, और माइनस की तरफ कौन से चले जाएंगे प्लस। इसके कारण हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो अप्लाइड की हमारी ये थी, तो इंड्यूस के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी ई आई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी इन दोनों का डिफरेंस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी कम हो जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुकी है लोअर। हमारे पास एक फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू -dv/dr, दिस इम्प्लाइज dv = -e dr। तो जो पोटेंशियल है वी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये पोटेंशियल भी क्या करेगा, डिक्रीज, तो पोटेंशियल विल आल्सो लोअर। पोटेंशियल लोअर होगा तुम्हारा प्रिंसिपल सेटिस्फाई होगी, कैपेसिटेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय लोअरिंग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हमने क्या कर दिया, लोअर कर दिया, और दिस इंप्लाइज कैपेसिटेंस विल इंक्रीज मोर। तो इस केस में अगर ऐसा हम सिस्टम बनाते हैं, इसमें कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटर की क्या बन जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी। नेक्स्ट इज कैपेसिटर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो कैपेसिटर तुम बताइए क्या होता है, डिवाइस इन व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस। तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है, व्हेन अ प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू वन प्लेट, प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट को दिया हमने, ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द इंटरफेस ऑफ स्पोर्टिंग फेस, तो जो स्पोर्टिंग प्लेट है इसके इंटरफेस इनर फेस पे,
एक क्या डब्ल्यू हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिंस फ्लोटिंग प्लेट इज अर्थ एंड दस प्लस क्यू चार्ज गोज टू दी अर्थ एंड नो चार्ज इज ऑन आउटर साइड ऑफ स्पोर्टिंग प्लेट। प्लस क्यू यहाँ चार्ज डेवलप हुआ था बट ये अर्थ की ही हमने, इसलिए प्लस क्यू चार्ज सारा का सारा कहाँ चला गया अर्थ में। नेक्स्ट और नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज प्लस क्यू। नेट चार्ज को कैपेसिटर के ऊपर पहले डिस्कस किए, जो चार्ज इसके ऊपर होता है प्लेट इसके फर्स्ट प्लेट के ऊपर तो वही चार्ज होता है नेट, स्पोर्टिंग प्लेट वाला चार्ज काउंट नहीं होता। ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बिटवीन प्लेट्स, तो प्लस से यहाँ पे चार्जेस यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ से इस तरफ अट्रैक्शन का डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इस डायरेक्शन का डेवलप हो जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस। इफ सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ टू प्लेट्स, अब प्लेट्स हैं तो प्लेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक टू डिमेंशनल फिगर बनती है, सरफेस सा बनता है, और जो हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं सरफेस के ऊपर जो है उसकी कहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर हम इसके ऊपर क्या दे रहे हैं क्यू चार्ज दे रहे हैं, पूरे सरफेस के ऊपर कितना चार्ज दिया क्यू, तो एक यूनिट यूनिट सरफेस के ऊपर कितना चार्ज होगा उसे हम क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट के ऊपर अगर टोटल चार्ज कितना दिया क्यू दिया है तो एक यूनिट के ऊपर कितना चार्ज आएगा छोटे से यूनिट एरिया के ऊपर क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए का हम बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। देन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन साइड इज गिवन बाय, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस चैप्टर में किया है कि दो एक प्लेट प्लस चार्जेस वाली और एक क्या है माइनस चार्ज वाली, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है इन साइड आउटसाइड इस वाले इधर क्या बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या बनती है निकालनी हुई इधर, तो जब ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी वाले प्लेट्स हो तो आउटसाइड द प्लेट्स क्या है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है इन साइड, तो वो कितनी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑल्सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी वी ओवर डी आर इन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा है, आर्टिकल में लिखी है पीछे। सिंस ए इज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू द प्लेट्स, इफ वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या है यूनिफॉर्म है ठीक है, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस है उनके बीच में डेवलप हुए प्लेट्स के बीच में सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना लिया हमने डी, क्यू चार्ज दिए तो पोटेंशियल वी डेवलप होगा, तो इस फॉर्मूले से हमें चेंज क्या होगा कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल में लिखेंगे हम सिंपल लिखेंगे वी अपॉन डी, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डी वी ओवर डी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो यहीं से हमारे पास ई क्या आ गया वी क्या आ गया ई इंटू डी, हमने ऊपर ही ई की वैल्यू निकाली थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन वो पुट कर देंगे तो वी हमारा आ जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन डी। अब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी अभी मैंने बताया आपको कि होता है क्यू अपॉन ए, तो वो वैल्यू पुट कर दी हमने क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन ए, तो अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो बस वी की वैल्यू यहाँ से ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम कर देंगे पुट कर देंगे, तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डिस्टेंस डी वेयर ए इज द एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री दैट इज एरिया एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, इफ वी डबल द एरिया अगर एरिया को डबल करते हैं तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी डबल क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ वी डबल द डिस्टेंस तो कैपेसिटेंस को जाएगी हाफ क्योंकि ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इफ वी डबल एरिया एंड डबल डिस्टेंस देन कैपेसिटेंस विल रिमेन एज इट इज अनचेंज, इफ वी इंक्रीज बी देर इज नो चेंज ऑन सी ओनली हैपनिंग इज इंक्रीज इन चार्ज, ठीक है वी का घटाने या बढ़ाने से कैपेसिटेंस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्यू के कारण जो है सी के ऊपर फर्क पड़ेगा।